थोड़ा सा तो चलिए हम लोग मसाला बनाना स्टफिंग रेडी करते हैं हॉट डॉग की। उसके लिए हम लोग इसमें 1.5 चम्मच ऑयल डाल देंगे। इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम लोग अपने 1 कटोरी जो प्याज रखे थे वो डाल लेते हैं। अब हमने इसमें शिमला मिर्ची ऐड कर लेते हैं। अब प्याज और जब शिमला मिर्ची अच्छे से हल्की सी फ्राई हो जाए तो अब इसमें हम लोग 1 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच इसमें हम लोग लाल मिर्ची डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब इसमें हम लोग 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम लोग जो बॉइल्ड पोटैटोज हैं आलू हैं वो डालेंगे। अब इसमें हम लोग जो उबले हुए आलू है वो ऐड कर लेंगे। तो ये आलू अच्छे से हो गए हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी गाजर डाल देंगे एज रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत है थोड़ी सी बस। इसे भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे हम लोग। अब ये मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऊपर से कॉर्न से ऐड कर लेते हैं। इसे भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम लोग गैस जो है बंद कर देंगे। तो स्टफिंग रेडी हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो चलिए स्टफिंग रेडी है तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हॉट डॉग। ये जो ब्रेड सही हमने घर पे बनाई है, अगर आपको ब्रेड की वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए वीडियो ऑन है। हाँ ठीक है, तो इसे कट कर लेते हैं बीच से पहले। ऐसे करके हम लोग ब्रेड को कट कर लेंगे। अब इसमें हम लोग स्टफिंग ऐड कर देते हैं बीच में। अब इसमें हम लोग स्टफिंग ऐड कर देते हैं बीच में अच्छे से। तो स्टफिंग दोनों में हो चुकी है। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टफिंग रेडी हो गई है कि नहीं? तो स्टफिंग रेडी हो गई है। अब इसमें हल्की सी मेयोनीज ऐड कर लेंगे हम लोग। आप भी ऐसे मेयोनीज लगा दीजिएगा। अब इसमें हम लोग हल्की सी चीज़ ऐड कर देंगे ऊपर से। तो अब हम इसे ओवन में हल्का सा गर्म कर लेंगे 2 से 5 मिनट के लिए ताकि चीज़ थोड़ी सी पिघल जाए। तो हॉट डॉग बन